आगे है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद क्या है, प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे हमारे पास, तो बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, ये किसके अनुसार है, घात के अनुसार है, ठीक है ना। और इसी का हमें जरूरत भी पड़ेगा। तो रैखिक बहुपद, पहला क्या है, रैखिक, नाम से क्या पता है, रैखिक। ठीक है, इसको अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, बहुपद तो बहुत सारा, बहुपद हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है, बहुपद ये हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा बहुपद। तो उसका कुछ प्रकार भी तो होगा। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, एक नंबर भी पूछता है कि ये बताइए कि ये कौन सा बहुपद है। तो हम क्या देखेंगे, उसका घात देखेंगे। अगर घात, अगर सबसे ज्यादा क्या रहे, बहुपद का घात एक रहे, मतलब उसमें से सबसे ज्यादा पावर बहुपद का घात करेंगे, मतलब क्या कि उस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन सा है ना। ठीक है, तो बहुपद का घात अगर एक रहा तो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद का घात अगर दो रहा तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और बहुपद का घात अगर तीन रहा तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती या घन बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलते हैं रैखिक बहुपद। तो इसको कहा जाता है रैखिक। रैखिक कहने मतलब क्या, एक रेखा, और एक रेखा मतलब उसमें क्या होगा, केवल एक ही घात होगा। ठीक है, जिस बहुपद का घात कितना, एक हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक। ऑप्शन देखिए, घात क्या एक है, घात क्या एक है, घात क्या एक है। अब यहां देखिए, ये भी क्या है, घात क्या एक है। √2 जो होता है वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये √2 जो होता है वास्तविक संख्या होता है। अगर ये लिखा हुआ रहता तो ये अवास्तविक संख्या होता है ना। तो ये एक वैलिड हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, बहुपद है। तो यहां से देखिए, तो 4x+5, अगर हमसे ये लिखा रहता 4x² + 5, तो हम कहते ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि घात कितना, एक नहीं है, है ना। ये सब में घात सब में क्या, एक है। ठीक है, तो अगर जनरल टर्म में, अगर व्यापक रूप में लिखे, तो इसको लिखा जाता है ax+b। क्या लिखा जाता है, ax+b, जहां पे ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या होना चाहिए, है ना। ठीक है, और ऐसे भी ये एक्स के बगल वाला क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, ये एक्स का गुणांक है, ये क्या है, ये जो है एक्स का गुणांक है ना। और बी क्या है, बी एक अचरपद है, ये एक्स का पावर जीरो का गुणांक है। गुणांक मतलब कोफिशियंट, है ना। ठीक है, अगला है द्विघात। तो इसमें क्या होगा, जिस बहुपद का घात कितना हो, दो हो, उसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है। ठीक है, द्विघात शब्द कहाँ से आया, क्वाड्रेट से, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्ग। वर्ग का मतलब जानते हैं, स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहां से ये देखिए, ये द्विघात है, ये द्विघात है, ये द्विघात है ना। तो ये सारा क्या, द्विघात है। कैसे कैसे द्विघात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है। अब यहां से देखिए, ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये बहुपद जो है नहीं होगा, ये क्या है, ये वाला बहुपद नहीं होगा, थोड़ा सा गलती इसमें हो गया है। ठीक है, यहाँ पर होना ये चाहिए था 5√5v² + v, क्योंकि ये क्या है, v का पावर 1/2 ना हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी द्विघात बहुपद होगा, ये बहुपद होगा ही नहीं। ये क्या होगा, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात। अगर हमसे कहा गया 5x³ + 8, तो क्या ये द्विघात होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, घात जो है 3 है, और अगर महत्तम घात अगर 3 रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको त्रिघाती बोलते, ठीक है, द्विघाती नहीं बोलते। ठीक है, तो अगर जनरल टर्म में लिखे तो हम क्या लिखते हैं, x² + bx + c, है ना। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो a क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, अचरपद है, मतलब x का पावर 0 का गुणांक है। और a b c क्या, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और a 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर a 0 हो गया तब तो ये खत्म कहानी, तो फिर क्या बचा, ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद को अगर व्यापक रूप में देखें तो हमारे पास क्या आएगा, x³ bx² cx + d। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, a क्या होगा, x³ का यहाँ पे गुणज है, मतलब कोफिशियंट है ना, और b जो है x² का कोफिशियंट है, मतलब गुणज है, और x का कोफिशियंट क्या, c है, और d क्या, एक अचर पद है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास तीनों आ गया, रैखिक के लिए ax + b लिख सकते हैं, ठीक है, और द्विघात के लिए x² + bx + c लिख सकते हैं। ठीक है, और त्रिघात के लिए क्या हमारे पास आ गया, ax³ + bx² + cx + c लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, हम घात को घटते हुए क्रम में ज्यादातर लिखे तो ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। ठीक है।
अब क्या है, ये भी क्या है, एक नंबर या दो नंबर में बराबर क्वेश्चन आता ही रहता है, ये सब क्वेश्चन क्या है बराबर पूछने ही वाले है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुपद का मान निकालना, कोई बहुपद है हमारे पास दिया हुआ है ना, अब उसका कहेगा मान निकालने के लिए, वो कोई वैल्यू वहां पे दे देगा है ना, 2, 3, 4 किसी के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास पी एक्स जो है वो चर एक्स के रूप में, किसके रूप में हो, एक्स के रूप में, मान लेते हैं 2x² + 5 रहा, ठीक है, ये पी एक्स क्या है, चर एक्स के रूप में दिया हुआ है ना, पीएक्स चर एक्स के रूप में क्या है, बहुपद है, तो एक्स की जगह कोई अचर ए रखने पर, ठीक है, एक्स की जगह क्या है, कोई अचर ए रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या पीएक्स का एक्स बराबर ए पर मान कहलाता है और पीए द्वारा सूचित किया जाता है। अब मान लेते हैं कि हमें यह निकालने के लिए कहा कि आप एक्स बराबर 2 पे बहुपद का मान निकाले है ना, एक्स बराबर 2 पे बहुपद का मान निकाले, ठीक है, तो हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे है ना, ठीक है, मतलब, और इसको सूचित कैसे करेंगे, पी दो है ना, पी से पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, पी दो बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर + 5, 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 + 5, तो बराबर क्या आ गया, 8 + 5 = 13, मतलब पी दो का मान क्या आ गया, 13 आ गया, पी दो क्या है, बहुपद का मान एक्स बराबर 2 पर, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहीं से देखिए पी एक्स बराबर क्या है, ये दिया हुआ, अब निकालने के लिए क्या कहा गया, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 पे हमें पी एक्स का मान निकालना, मतलब बहुपद का मान निकालना, क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे 2 रख देंगे, तो एक्स अवसूचित किससे करेंगे, पी दो है ना, तो 2³ रख दिए एक्स जगह पे, फिर यहाँ पे एक्स की जगह पे रख दिए 2, फिर यहाँ पे क्या किए, फिर यहाँ पे एक्स जगह पे रख दिए 2, फिर यहाँ पे अचर पद इसमें रखने का जो था ही नहीं, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास पूछा जाएगा क्या जाएगा, 8, ये क्या जाएगा, 4 × 4 = 16, ये क्या जाएगा, 10, और ये क्या जाएगा, 9, ठीक है, 16 × 8 = 24, 24 + 10 = 34 और 9 = 43 आ गया, ठीक है ना। अब एक्स बराबर -3 पे तो क्या करेंगे, क्या निकालना, पी -3 निकालना, ठीक है, क्या निकालना, पी -3 निकालना। अब -3 एक्स से आप रख देंगे है ना, एक्स से आप क्या रखें, -3, फिर -3 इसका वैल्यू क्या आएगा, -3³ क्या होता है, -27 होता है, इसका कितना, -3² -± + मतलब 9 = 36 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या -15 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो क्या है, +9 होगा, +9 = 18 और -15 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास सवाल आएंगे कि हाँ निकालिए कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, और बहुपद दिया हुआ रहेगा निकालिए कि x बराबर इतना पे बहुपद का मान निकाले, ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चन बन गया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, ठीक है ना। अब बहुपद का शून्यक निकालने, शून्यक निकालने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हो, कभी कभी आप लोग को ऐसा सिचुएशन आया होगा कि दे दिया गया है 2x + 3 = 0, ठीक है, अब 0 बराबर करने पर क्या जाता है, 2x बराबर लिखते हैं, इधर जाएगा तो -3 और x बराबर -3/2, तो ये x बराबर -3/2 जो आप निकालते थे ये क्या है, ये बोलते थे कि इसका वैल्यू निकल, इसका मान निकल गया, x का मान निकल गया, तो यहाँ पे x का मान, x क्या है, इस बहुपद का चर है, और बहुपद के चर का हम मान निकालते थे है ना, तो यहाँ पर वही चीज क्या है, शून्य के नाम से जाना जाएगा कि अगर बहुपद कोई दिया हुआ है तो उसमें कोई x का ऐसा वैल्यू जिसका मान अगर उसमें रख दिया ना, तो बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए है ना। अब इसी में अगर x का मान हम 3 - 3/2 रख दे, कितना रख दे, -3/2 रख दे, तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0, देखिए कट गया, -3 माइनस में ये प्लस में, ठीक है, 0 आ जाएगा ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, x क्या हो गया, शून्यक हो गया, इस बहुपद के लिए क्या हो गया, शून्यक हो गया, जो हम वहां पे वैल्यू बोलते थे कि मान निकल गया, ठीक है, वही यहाँ पे शून्यक हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाएगा, ठीक है, ए क्या होगा, पी एक्स का शून्यक कहलाएगा, कब, तब जब ए का मान हम एक्स की जगह पर रखेंगे, मतलब पी ए, जैसे वहां पर क्या बताया, पी ए का मतलब क्या होता है, बहुपद का मान ए रखने पर, बहुपद का मान क्या, एक्स बराबर ए पर, बहुपद का मान किस पे, एक्स बराबर ए पे, तो कैसे सूचित करते हैं, पी ए, तो पी ए बराबर अगर 0 हो जाए तो ए क्या हो जाएगा, ए शून्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
ए शून्य कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर शून्यक हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन से कि शून्यक निकालने के लिए हमें पीएक्स बराबर जीरो करना पड़ेगा, तब जाके शून्यक निकलेगा, है ना। जैसे यहीं पे पीएक्स दिया हुआ, ठीक है। अब निकालना है कि पीएक्स का मान क्या होगा। अगर पीएक्स का मान निकालने के लिए क्या दिया, तो पीएक्स बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, ठीक है ना। अब कह रहा है एक्स माइनस 2 पे, इसका मतलब क्या निकालना है, पी माइनस 2, है ना, मतलब एक्स बराबर माइनस 2 पे निकालना है। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 20, तो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, और ये माइनस 20, तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पी माइनस 2 क्या आ गया है, 0 आ गया। आने का मतलब क्या हुआ, अगर पी माइनस 2 0 आ गया तो कंडीशन ये फुलफिल कर रहा, पी ए बराबर 0, इसका मतलब माइनस 2 क्या होगा, शून्यक होगा। क्यों शून्यक होगा, क्योंकि बहुपद में माइनस 2 का मान रखने पे या बहुपद का मान माइनस 2 पे 0 आ रहा। अगर 0 अगर बहुपद का मान आए तो जिसको रखने पे 0 आता है वही शून्यक कहलाता है ना, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया कि बहुपद का शून्यक निकाले, ठीक है, अगर यही आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 लेते एक्स प्लस 5 क्या है, एक्स प्लस 5, ठीक है, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स प्लस 5, आपको निकालना है इसका शून्य क्या है। अब शून्य निकालना तो हम सीधा क्या करेंगे, अरे शून्य निकलेगा तो कौन से वैल्यू पे निकलेगा, है ना। तो सीधा क्या करना है, पी एक्स बराबर आपको 0 कर देना है, क्या करना है, पी एक्स बराबर 0 कर देना है। तो एक्स प्लस 5 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, उधर जाके माइनस 5, तो माइनस 5 क्या होगा, शून्य होगा। अब चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, पी माइनस 5 रख देते हैं, क्या आएगा, एक्स यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5 क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिए, अगर शून्य निकालना है तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, पी एक्स बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो हमारे पास शून्य निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे दिया रहता इसी का पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है ना, पी एक्स बराबर ये दिया, शून्य निकालना, तो क्या करेंगे, वही 2x बराबर -3, तो एक्स बराबर -3/2 निकल गया, है ना। तो शून्य निकालना है तो क्या करना है, पी एक्स बराबर आपको 0 कर देना, जो भी आपका मान निकल गया एक्स का वही क्या हो गया, आपका बहुपद का शून्य हो गया, ठीक है ना। तब क्या है, बहुपदों के शून्य को और गुणांकों के भी संबंध, कहने का मतलब हम संबंध स्थापित करेंगे कि आखिर हमारे पास जो जीरोज निकलेगा, जो शून्यक निकलेगा, और जो भी क्या होगा सॉरी जो भी हमारे पास गुणांक होगा उनके बीच में संबंध आखिर क्या होगा, है ना, ठीक है। तो एक एक करके रैखिक बहुपद आपको पता है क्या होता है, रैखिक बहुपद जिसमें घात क्या है, एक रहे, द्विघात में घात 2 रहे, और त्रिघाती में घात 3 रहे, महत्तम घात का बात किया जा रहा है ना, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे कि आखिर हमारे पास क्या क्या आएगा, तो रैखिक बहुपद आ गया, है ना, क्या आ गया, रैखिक बहुपद। तो अगर रैखिक बहुपद का बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो व्यापक रूप होता क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है, क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, ये व्यापक रूप होता है। अब इसका कह रहा है शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना, है ना। तो अगर हमें पता कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी है ना, मान लेते हैं कि शून्य क्या है, शून्य मान लेते कि जेड है, क्या है, जेड है, तो शून्य जेड कब होगा, शून्य जेड तब ही होगा जब पी जेड बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, पी जेड बराबर क्या हो जाए, 0 होगा, ठीक है। तो पी जेड बराबर 0 इसका मतलब क्या होगा, ए जेड प्लस बी बराबर 0, मतलब एक्स आप क्या रखेंगे, जेड रखेंगे, इसका मतलब ए जेड बराबर क्या होगा, माइनस बी, तो जेड बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए, और जेड क्या है, जेड हमारे पास शून्य है, जेड क्या है, शून्य है, तो शून्य बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है, बी हमारे पास क्या है, अचर पद है, बी क्या है, अचर पद है ना, बटा क्या हो जाएगा, ए, ए हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा एक्स का गुणांक, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, मतलब एक्स का पावर एक का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शून्यक और
शून्यक और किस में संबंध आ गया, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध आ गया, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। अगर यहीं पर माइनस अगर रहता, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई दूसरा टर्म होता, है ना, अगर यहीं पे एक्स माइनस बी होता, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं ऐसे, नहीं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस माइनस बी लिखेंगे, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर जेड करें तो पी जेड बराबर क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा ए जेड माइनस, क्या हो जाएगा, ए जेड माइनस माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस है तो इसको हम थोड़ा सा इसके फॉर्म में लिखे तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ क्या है प्लस कर देते हैं, माइनस होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड ये बराबर 0, तो ए जेड बराबर क्या आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और जेड बराबर क्या आएगा, बी बटा ए। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही आपको याद यही रखना है, बाकी से मतलब नहीं है ना। तो यहां से देखिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, है ना, माइनस किया, तो माइनस किया तो यहाँ पे क्या है, फिर से तो वही आया है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, यहां से बी देखिए, यहाँ क्या बी आपका अचर पद है, नहीं माइनस बी अचर पद है, तो माइनस तो फार्मूला में लगेगा है ना, माइनस तो फार्मूला में लगेगा है, तो माइनस फार्मूला में रहेगा। ठीक है, और अचर पद क्या है, माइनस बी है बटा ए, बात तो वही आ गई ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान इस पे देना है कि नहीं। ठीक है, अगर चाहे तो हम एग्जाम्पल भी ले लें, है ना। तो मान लेते हैं हम एग्जाम्पल ले लें कि पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 3x+2 दिया हुआ, कितना है 3x+2, या माइनस लेते ज्यादा बढ़िया होगा, 3x-2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3x-2। अब इसका क्या कर रहा कि इसका ये रैखिक बहुपद है ना, अब इसमें निकालना है कि आप निकालिए शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, और इसका आप शून्यक निकालिए। तो शून्यक अगर मान लेते हैं कि जेड क्या शून्यक है, तो जेड शून्यक कब होगा, तब होगा जब पी जेड बराबर 0 होगा, जेड का मान बहुपद में रखने पर 0 होगा, तभी ना जेड उसका शून्य कहलाएगा, शून्य का ही तो परिभाषा हुआ है ना। तो पी जेड 0 इसका मतलब 3z-2 = 0, है ना, तो इसका मतलब 3z = 2, तो z बराबर कितना, 2/3, z बराबर क्या आ गया, 2/3। अब ये z बराबर 2/3 क्या आया, इस बहुपद का शून्यक आया, क्या आया, शून्यक आया। अब शून्यक तो आ गया है ना, तो शून्यक जो है निकल गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से इस फार्मूला से निकाल के देखते हैं दोनों बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। तब क्या है, तो शून्यक बराबर क्या है, यह भी आ सकता है, शून्यक बराबर क्या है, माइनस अचर पद, अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद ये माइनस के साथ होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्या हो गया, -2 हो गया अचर पद बटा, ठीक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या, 3। ठीक है, अब मिला के क्या आ गया, 2/3 आ गया, क्या दोनों बराबर है, शून्यक और यहां से हम शून्यक निकाले और यहां से निकाले, दोनों क्या बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया, इसका मतलब क्या, हमारा बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है,